गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? और मुझे विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे। चलिए एक नए वीडियो के साथ नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे आज हम लोग। और ये हमारा नया चैप्टर है क्लास थ्री के लिए, जिसका नाम है ज्योमेट्री। क्या नाम है? ज्योमेट्री। क्लास थ्री के लिए नया चैप्टर जिसका नाम है ज्योमेट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये क्लास थ्री के लिए है, क्लास थ्री लेसन फोर। और लेसन का नाम क्या है? ज्योमेट्री। देखिए, ज्योमेट्री का अर्थ होता है ज्यामिति। ज्योमेट्री का अर्थ क्या होता है? ज्यामिति। ज्यामिति का अर्थ होता है, ये एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है ज्योमेट्री। और इस ज्योमेट्री यानी ज्यामिति का अर्थ होता है जिसमें हम पृथ्वी के मेजरमेंट करते हैं, ठीक है ना। यानी पृथ्वी का मेजरमेंट करना, पृथ्वी का मापन करना ही ज्योमेट्री कहलाता है। और इसको हम कहें तो ये एक प्रैक्टिकली ब्रांच है, इट इज प्रैक्टिकली ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स का एक प्रैक्टिकली ब्रांच है, ठीक है ना। चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर का, कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। हम लोग का चैप्टर नंबर फोर जिसका नाम है ज्योमेट्री। देखिए, ज्योमेट्री में हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है फ्लैट शेप्स, उसके बाद से पढ़ना है फ्लैट शेप के जो शेप होते हैं उसके बारे में, यानी फ्लैट शेप में होता क्या क्या है। हालांकि हम क्लास टू में इसको पढ़ चुके हैं, फिर भी हम एक बार उसको आपको पुनरावृत्ति करेंगे। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड शेप, ठीक है ना। सॉलिड शेप में क्या क्या आता है उसको समझेंगे, उसके बाद से हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ज्योमेट्री जो है दो ग्रीक वर्ड से बना है, जियो और मेट्रॉन, जीईओ, ठीक है ना, जीईओ, जिसका अर्थ होता है अर्थ, मीनिंग होता है अर्थ। अर्थ मीन होता है पृथ्वी, मैंने पहले बताया। और होता है मेट्रॉन, मेट्रॉन का अर्थ होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी जियो और मेट्रॉन मिलकर बना है ज्योमेट्री, जिसका अर्थ होता है अर्थ और मेजरमेंट, यानी पृथ्वी का मेजरमेंट करना ही ज्योमेट्री कहलाता है, ठीक है ना। चलिए आगे की क्लास में हम लोग इसको अच्छे से डीपली पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं फ्लैट शेप और सॉलिड शेप के बारे में। फ्लैट शेप और सॉलिड शेप क्या होता है? देखिए, फ्लैट शेप्स, फ्लैट शेप का मतलब होता है समतल सतह, यानी वो ऐसा फिगर जो समतल हो, बिल्कुल समतल। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके किसके बारे में? हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। अब मैं पूछू इसके बारे, यानी ये है क्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लास थ्री के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं ये कौन सा शेप है, फ्लैट शेप है। इस शेप का नाम क्या है? आपका जवाब आएगा ट्रायंगल। क्या है? ट्रायंगल। जो लोग नहीं जानते वो लोग भी समझ जाएंगे, इसको बोलते हैं ट्रायंगल। उसी तरह से इसको क्या बोलते हैं, इसमें फोर साइड है और इसका अपोजिट साइड इक्वल है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। वैसे ही हमारा अगला जो सिर्फ है वो है एस्क्वायर। अगला सिर्फ क्या है? एस्क्वायर, एस्क्वायर। और फिर अगला सिर्फ क्या है, इसको क्या बोलते हैं? सर्कल। इसको क्या बोलते हैं? सर्कल। और ये क्या है? ओवल, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सर्कल, इसको बोलते हैं ओवल। ये सब आपका एक फ्लैट शेप का एग्जांपल है। ये क्या है? एक फ्लैट शेप है, समझ में आ रहा है ना, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लैट शेप। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सॉलिड शेप।
देखिए सॉलिड शेप के बारे में भी हम क्लास टू में पढ़े हैं, याद कीजिए हम लोग क्लास टू में भी सॉलिड शेप के बारे में पढ़े हैं। फिर से हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड शेप में हम लोग क्या जान, नहीं सॉलिड शेप में कौन कौन सा शेप आता है। जैसे मैं आपसे पूछूं ये कौन सा फिगर है या कौन सा शेप है, इसको क्या बोलते हैं कोन, इसको क्या बोलते हैं कोन, इसको क्या बोलते हैं सिलेंडर, क्या बोलते हैं सिलेंडर, इसको क्या बोलेंगे क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, और इसको क्या बोलेंगे कप, ठीक है ना, और एक होता है स्फीयर, ठीक है ना। तो चलिए इसको समझेंगे सॉलिड शेप, क्योंकि सॉलिड शेप के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो हमने पहले बताया आपको फ्लैट शेप, फ्लैट शेप में हम ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं सॉलिड शेप, सॉलिड शेप में आता है कोन, सिलेंडर, क्यूबॉइड, क्यूब, ठीक है ना। चलिए अब इस सॉलिड शेप में हम लोग को क्या क्या समझना है इस पर हम चर्चा करते हैं। चलिए तो हम लोग इसमें समझेंगे क्या, मुख्य रूप से इस सॉलिड शेप में हम लोग को समझना क्या है, इस सॉलिड शेप में क्या क्या होता है। देखिए सॉलिड शेप में फेस होते हैं, क्या होते हैं फेस, यहां हम लिखे आपको दिखाई देगा फेस। उसके बाद से क्या होता है, अब देखिए फेस होता है तो फेस में भी टू फेस होते हैं, एक होता है प्लेन फेस और दूसरा होता है कर्व फेस। यानी प्लेन का मतलब समतल, सीधा चेहरा जो साफ साफ दिखता है वो फेस, और एक कर्व होता है, एग्जांपल से हम आपको समझाएंगे। उसके बाद से फेस के बाद से होता है एड्स और वर्टिक्स, ठीक है ना, एड्स और वर्टिक्स। तो यहां लिखते हैं फेस, उसके बाद से होता है एड्स और वर्टिक्स। देखिए इसको समझ लें, तीनों को अलग अलग समझ लेंगे। फेस का मतलब होता है उसका जो चेहरा दिखता है ना उसी को हम लोग फेस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ फेस। एड्स क्या होता है, यानी टू कॉर्नर को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है उसी को बोलते हैं एड्स। हम समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, पता चल जाएगा। और कॉर्नर मतलब होता है कोना, ठीक है ना। जैसे डस्टर होता है ना, तो डस्टर में कितने कॉर्नर होते हैं, डस्टर में कितने कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर। आप डस्टर लेना, डस्टर को काउंट करना, डस्टर में कॉर्नर यानी कोने कितने होते हैं, तो उसी कॉर्नर को हम लोग बोलते हैं वर्टिक्स। क्या बोलते हैं वर्टिक्स, इसको याद रखना है। अब हम आते हैं कि कोन में कितने फेस होते हैं, कितने एड्स होते हैं और कितने वर्टिक्स होते हैं, वैसे ही सिलेंडर में, वैसे ही क्यूबॉइड और क्यूब में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोन के पास कितने फेस होते हैं। देखिए कोन के पास फेस होते हैं, ठीक है ना, कोन के पास फेस होते हैं, लेकिन कितने होते हैं इसको समझना है। तो कोन के पास दो फेस होते हैं, कोन के पास कितने फेस होते हैं, दो फेस। कौन कौन से, एक होता है प्लेन फेस और एक कर्व फेस। अब प्लेन फेस कौन, ये वाला जो फेस दिख रहा है ना, घूम घूम रहा है, यानी कोन, आप खाते हैं ना कोन आइसक्रीम मिलता है, तो ऊपर वाला जो फेस दिखता है ना उसको बोलते हैं कौन सा फेस, उसको बोलते हैं कर्व फेस। और इसका नीचे वाला जो हिस्सा होता है यानी समतल, उसको बोलते हैं प्लेन फेस। तो ना इसको ये समझना है, कोन में टू फेस होते हैं और वन एड्स होते हैं, ठीक है ना। वन एड्स का मतलब वन वर्टिक्स पर, ये वर्टिक्स है इसका, इस पर टू मिल रहा है ना लाइन सेगमेंट, इसी को एड्स बोलते हैं। तो वन एड्स और वन वर्टिक्स, यानी कोन में हम कहें कि कोन में कितने फेस, तो टू फेस। कितने एड्स, वन एड्स और वन वर्टिक्स, आपको याद रखना है, आपके बुक में भी दिया हुआ है। ये सारी चीजें मैं पूछूंगा आपसे, आपको याद होना चाहिए। अगला, सिलेंडर में कितने फेस कितने एड्स, सिलेंडर में तीन फेस होते हैं। तीन फेस में दो होते हैं प्लेन फेस और एक होते हैं कर्व फेस, ठीक है ना। सिलेंडर में थ्री फेस, एक होता है कर्व फेस घुमा हुआ और ऊपर नीचे, पानी का बोतल है ना, पानी का बोतल का ऊपर वाला ढक्कन और नीचे वाला सतह, यानी दोनों प्लेन फेस है, और घुमा हुआ राउंडिंग वाला जो होता है वो होता है कर्व फेस। तो सिलेंडर में थ्री फेस, टू प्लेन फेस, एक कर्व फेस,
और इसमें एड्स कितने होते हैं और वर्टिक्स कितने होते हैं ये समझना है। इसमें टू एड्स होते हैं और वर्टिक्स नो वर्टिक्स, यानी सिलेंडर हैज नो वर्टिक्स, सिलेंडर के पास कोई वर्टिक्स नहीं होता है। चलिए आगे आते हैं, ये क्यूबॉइड, क्यूबॉइड यानी डस्टर जो होता है ना, डस्टर एक क्यूबॉइड का एग्जाम्पल है। तो डस्टर में कितने फेस होंगे, डस्टर का फेस काउंट कर लेना, तो डस्टर में आपको कुल 6 फेस मिलेंगे। डस्टर के पास 6 फेस होता है, यानी क्यूबॉइड के पास 6 फेस, 12 एड्स और 8 वर्टिक्स। अब 12 एड्स क्या होता है, एड्स का मतलब ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन खींचा जा रहा है, इसी को बोलते हैं एड्स। ये हुआ आपका एड्स, 1 2 फिर नीचे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी आपको एड्स इसमें कितने मिलेंगे, 12, और वर्टिक कितने मिलेंगे, 8। एट कॉर्नर यानी कोना जो होगा आपके डस्टर का वो एड्स होता है, तो उसी को बोलते हैं वर्टिक्स, यानी 8 वर्टिक्स होते हैं। इसमें इसमें कोई अंतर नहीं होता है, इसमें और इसमें, केवल इसके फेस का अंतर होता है कि इसका भी इसमें जितना वर्टिक्स होते हैं इतना इसमें भी होते हैं। क्यूबॉइड में जितना वर्टिक्स उतना क्यूब में वर्टिक्स, जितना क्यूबॉइड का एड्स उतना क्यूब का एड्स, जितना इसका फेस उतना इसका फेस। अंतर क्या है, ये रेक्टेंगुलर फेस वाले होते हैं, क्यूबॉइड रेक्टेंगुलर फेस वाले होते हैं और क्यूब स्क्वायर फेस वाले होते हैं, स्क्वायर जैसा होता है, यही दोनों के अंतर है। आपको याद रखना है वर्टिक्स, एड्स और फेस इन सॉलिड शेप में कितने होते हैं, मुख्य चीज से आपको यही जानना है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग समझेंगे क्लोज और ओपन फिगर, ठीक है ना। क्लोज और ओपन फिगर क्या होता है, देखिए हम जो वर्ड बोल रहे हैं क्लोज और ओपन, क्लोज मीन्स होता है बंद और ओपन मीन्स होता है खुला, यानी वैसा फिगर जो क्लोज हो माने बंद हो, चारों तरफ से बंद हो। तो कोई ऐसा फिगर बताइए जो चारों तरफ से बंद होता है, यानी आपके मन में आएगा सर सर्कल, सर्कल जो होता है एक क्लोज फिगर होता है, बिल्कुल होता है। वैसे ही ट्रायंगल, ये क्या होता है, क्लोज फिगर होता है। रेक्टेंगल एक क्या होता है, क्लोज फिगर होता है, इट इज एग्जांपल ऑफ क्लोज फिगर, ठीक है ना। यानी इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ए क्लोज फिगर इज द वन विच एंड्स एट इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। क्लोज फिगर में होता क्या है, जहां से हम स्टार्ट करते हैं यानी इन पॉइंट, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसी पर आकर हमारा एंड भी होता है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं क्लोज फिगर। अब ये तो क्लोज फिगर हुआ ही, इसके साथ साथ जैसे हम एक क्लोज फिगर बना रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, यहां से स्टार्ट करते हैं, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और इस स्टार्टिंग पॉइंट से हमने एक फिगर बनाया और हमने ये फिगर बनाया ऐसे करके और जहां से स्टार्ट किया मैंने वहीं लाकर फिर एंड कर दिया, तो इट इज एग्जांपल ऑफ क्लोज फिगर। ये भी एक क्लोज फिगर का एग्जाम्पल है, ठीक है ना, ये भी एक क्लोज फिगर का एग्जाम्पल है। यानी क्लोज फिगर का स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसी पर हमारा एंड पॉइंट भी होता है, लेकिन ओपन फिगर जो होता है उसमें स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है, एंड पॉइंट अलग होता है, यानी टू पॉइंट होता है, ठीक है ना। ओपन फिगर में विच हैज टू एंड्स, ओपन फिगर के पास टू एंड्स होता है। जैसे ओपन फिगर हम ये बोले यहां से ऐसे करके ऐसे बना दिया, तो यहां दिख रहा है ये ओपन दिख रहा है ना, खुला हुआ है, तो ये ओपन फिगर होगा। जैसे हमने ट्रेंगल ही बनाया और यहां देख रहा है ये खुला हुआ हिस्सा है, तो ये हो गया आपका ओपन फिगर, समझ में आ रहा है। तो जो बंद फिगर होता है उसको हम लोग बोलेंगे क्लोज फिगर, और जो खुला होता है यानी कहीं ना कहीं से खुला होगा वो होगा आपका ओपन फिगर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्लेन फिगर। प्लेन फिगर हम लोग स्टार्ट में ही पढ़े, लेकिन उस प्लेन फिगर को हम लोग एक एक करके समझेंगे, ठीक है ना, कि प्लेन फिगर होता क्या है। चलिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्लेन फिगर। प्लेन फिगर देखिए, प्लेन फिगर में मैंने पहले बताया था, स्टार्ट करते हैं हम ट्रायंगल से, इसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। देखिए इसमें मुख्य रूप से होता क्या है, इसमें मुख्य रूप से होता है साइड और होता है वर्टिक्स, ठीक है ना, साइड और वर्टिक्स। तो साइड का मतलब हुआ कि ये फिगर दिख रहा है, इस फिगर में साइड कितने हैं, अगर मैं ए बी और सी लूं तो इसमें देख रहे हैं
थ्री साइड है, ए बी एक साइड है, फिर बी सी एक साइड है और फिर सी ए एक साइड है। तो इस ट्रेंगल में कितना साइड हुआ? थ्री साइड हुआ ना, थ्री साइड। तो ट्रेंगल के पास थ्री साइड। वैसे ही वर्टिक्स मैंने बताया ना, कॉर्नर को, कोने को वर्टिक्स बोलते हैं। तो ये इसका क्या हो गया? वर्टिक्स हुआ। तो कितना वर्टिक्स इसमें? थ्री वर्टिक्स। यानी हम कह सकते हैं ए ट्रेंगल हैज थ्री साइड एंड थ्री वर्टिक्स। ए ट्रेंगल है थ्री साइड एंड थ्री वर्टिक्स। ट्रेंगल के पास तीन साइड होते हैं और तीन वर्टिक्स भी होते हैं, आपको याद रखना होगा। वैसे आते हैं आगे, अगला हमारा प्लेन फिगर है वो है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल प्लेन फिगर और क्वाड्रिलेटरल। देखिए प्लेन फिगर का ही एक अभिन्न हिस्सा है क्वाड्रिलेटरल, यानी क्वाड्रिलेटरल इज ए प्लेन फिगर। क्वाड्रिलेटरल और एक और हम लेते हैं प्लेन फिगर, रेक्टेंगल। देखिए दोनों में आपको समझना है, हम दो फिगर लेते हैं, एक हमारा फिगर हो गया ये, दिख रहा है ना, ये हो गया आपका रेक्टेंगल, और एक फिगर हम ऐसे लेते हैं, ये है क्वाड्रिलेटरल, ये है रेक्टेंगल। अंतर क्या है दोनों में? ठीक है ना, इसी टाइप से थोड़ा सा का अंतर दिख रहा है। अंतर क्या है? देखिए क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो रेक्टेंगल नहीं होता है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? रेक्टेंगल नहीं होता है। लेकिन प्रत्येक रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल होगा। प्रत्येक रेक्टेंगल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है। लेकिन रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? रेक्टेंगल नहीं होता है। यह चीज याद रखना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, ये रेक्टेंगल नहीं होगा। रेक्टेंगल क्यों नहीं होगा? कि रेक्टेंगल के लिए टर्म्स ऑफ कंडीशन है, शर्त है कि उसका अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए और प्रत्येक एंगल ये 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है ना, प्रत्येक एंगल यहां 90 डिग्री का और अपोजिट जो साइड होगा ये दोनों इक्वल होना चाहिए, यानी ऊपर वाला नीचे वाला साइड इक्वल, फिर लेफ्ट और राइट का साइड इक्वल होना चाहिए और प्रत्येक एंगल जो यहां एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा, तो ये होगा रेक्टेंगल। लेकिन क्वाड्रिलेटरल में कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक साइड इक्वल हो और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है ना, तो यही अंतर होता है। अब देखिए हम कह रहे हैं ना कि क्वाड्रिलेटरल जो होगा रेक्टेंगल नहीं होगा, लेकिन रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। रेक्टेंगल एट क्वाड्रिलेटरल का अर्थ होता है चतुर्भुज, यानी जिसमें चार भुजाएं होती है। चतुर्भुज रेक्टेंगल में होता है चतुर्भुज, यानी फोर साइड वाला जो प्लेन फिगर होगा, फोर साइड वाला प्लेन फिगर वो कहलाता है क्वाड्रिलेटरल। लेकिन ध्यान रहे रेक्टेंगल में भी तो फोर साइड होते हैं, तो रेक्टेंगल में फोर साइड हुआ तो रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल, बट क्वाड्रिलेटरल इज नॉट रेक्टेंगल। क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल नहीं होगा, लेकिन उसका इसके शर्त को, क्वाड्रिलेटरल के शर्त को रेक्टेंगल पूरा कर रहा है, इसलिए रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल है। बट क्वाड्रिलेटरल के रेक्टेंगल के शर्त को क्वाड्रिलेटरल फॉलो नहीं करता है, इसलिए क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना, तो ये हुआ रेक्टेंगल और क्वाड्रिलेटरल में डिफरेंट। अब आपको समझना है क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड होते हैं? फोर साइड, और कॉर्नर कितने? फोर कॉर्नर। वैसे ही रेक्टेंगल में कितने साइड? फोर साइड। कॉर्नर कितने? फोर कॉर्नर। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं स्क्वायर, स्क्वायर पर। स्क्वायर क्या होता है? एस क्यू यू आर ई, एस क्यू यू आर ई, स्क्वायर। देखिए स्क्वायर में हम लोग को जैसे रेक्टेंगल हमने पढ़ाया ना, तो उसी में हमको स्क्वायर पढ़ना है। स्क्वायर के बारे में हम आपको बता दें कि स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर मतलब एस क्यू यू ए आर ई, स्क्वायर का ये आपको हो सकता है दिक्कत, तो एस क्यू यू ए आर ई, स्क्वायर। ठीक है ना, देखिए स्क्वायर का मतलब होता है वैसा प्लेन फिगर जिसका सभी साइड इक्वल हो। ठीक है ना, सभी साइड क्या हो? ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल। अब मैंने बोला ये देख रहे हैं ना, इसका सभी साइड इक्वल है,
तो क्या ये स्क्वायर है? ये स्क्वायर नहीं। क्यों नहीं है भाई? स्क्वायर में सभी साइड इक्वल तो होगा ही, बट सभी एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। समझ में आ रहा है? यानी ये फिगर देखिए, इसमें ये साइड और ये साइड इक्वल है, और यहां पर बनने वाला जो एंगल है, ये फोर जो एंगल बन रहा है, ये सभी एंगल क्या होगा? इक्वलेटरल एंगल होगा, यानी सभी समकोण होगा। तो ये आपका हुआ स्क्वायर, लेकिन ये क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल होगा। ये क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल होगा, इसलिए क्योंकि यहां जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का नहीं होगा, नॉट इक्वल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा, इसलिए ये क्या होगा? ये क्वाड्रिलेटरल होगा और ये स्क्वायर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सर्कल। क्या समझेंगे आप? सर्कल, देखिए हमने बताया ना, सर्कल एक प्लेन फिगर है और सर्कल एक क्लोज प्लेन फिगर है, ठीक है ना, क्लोज प्लेन फिगर है। अब सर्कल में नो साइड और नो वर्टिक्स, ना सर्कल में कोई साइड होता है और कोई वर्टिक्स होता है, नहीं कोई वर्टिक्स होता है। इसके जो बीच का जो डॉट होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग सेंटर, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग सेंटर। देखिए रेडियस और डायमीटर नहीं पढ़ना है इसमें, इसलिए हम नहीं बता रहे, जैसे चैप्टर में मिलेगा हम बताएंगे आपको। बस इतना जानना है कि प्लेन फिगर का एक एग्जांपल है सर्कल, और सर्कल में ना ही साइड होता है ना ही वर्टिक्स होता है। हम कह सकते हैं सर्कल हैज नो साइड एंड नो वर्टिक्स, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हुआ। जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट था हम लोगों ने पढ़ा, अब इस आधार पर आप एक्सरसाइज को बनाइए, ठीक है ना, एक्सरसाइज को बनाइए। कोई प्रॉब्लम होता है फिर हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको सारी प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए तैयार हैं। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।